अरेंज मैरिज में क्या फर्क होता है? हाँ, इसकी डेफिनेशन तो आप लोगों के पास थोड़ी से ज्यादा होगी, लेकिन सही मायने में लव मैरिज और अरेंज मैरिज, अगर अरेंज मैरिज की बात करें तो उसके अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग इन्वॉल्व होते हैं, हमारी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो फैमिली इन्वॉल्व होती है तो एक तरह से आपके नौ के नौ ग्रह इन्वॉल्व होते हैं, आपके बुजुर्गों के द्वारा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो वो पूरी की पूरी मैरिज जो है एक तरह से बृहस्पति की निगरानी में होती है, तो इस वजह से उस मैरिज के सक्सेस होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो वक्त के साथ मैच्योर होता है, और जैसे मैच्योर होता है वो रिलेशन भी आपका वक्त के साथ मैच्योर होता है, और उसके अंदर क्योंकि आपके बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स भी होती है, इसलिए उसके सक्सेस रेट भी है ज्यादा है और मैच्योरिटी रेट भी ज्यादा होती है। जहां तक लव मैरिज है वो पूरी तरह से वेनस के ऊपर बेस्ड है, शुक्र के ऊपर, शुक्र घटता है। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। शुक्र जो है, शुक्र क्या है, आपकी ब्यूटी है, आपका रोमांस है, धीरे धीरे वक्त के साथ ब्यूटी डाउन होती जाती है, तभी लव मैरिज जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो जो लव का कंटेंट है वो टाइम के साथ घट जाता है, तो इस वजह से लव मैरिज के अंदर प्रॉब्लम भी ज्यादा आती है। दूसरा, डिवोर्स ज्यादा होते हैं, उसका कारण भी है कि इसके अंदर बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम, और खासकर जब वो मैरिज कोर्ट मैरिज हो जाती है वहां पे राहु का इंटर हो गया। अगर वो मैरिज आप दूसरे तरीकों से करवाते हैं, इंटरकास्ट करवाते हैं या इंटर कम्युनिटी करवाते हैं, इंटर रिलीजन करवाते हैं, तो वहां से तो आपका जुपिटर और ज्यादा वीक हो गया, तो ऐसे में वेनस का प्रभाव बढ़ जाता है और वेनस जो है वो समय के साथ साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इस वजह से बढ़ता है और शुक्र घटता है। शुक्र घटता है, सीधी सी बात है, सोने की वैल्यू बढ़ती है, और आप मोबाइल फोन 1,00,000 का भी ले आओ, अगले दिन उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो यही दोनों में फर्क है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में।